ओम शांति, ओम शांति। 3.5 से 4 की भट्टी में सभी आत्माओं का बहुत 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 स्वागत है। एकाग्र चित्त होकर अपनी भृकुटी की कुटिया में बैठ जाते हैं। आत्मा चमकता सितारा भृकुटी के बीच चमक रही है। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। प्यारे बाप दादा का हाथ अपने सर पर अनुभव करते हैं। बाबा के हाथों से तेज प्रकाश निकलता और मुझ आत्मा में समाता हुआ। रोम रोम बाबा की इन किरणों से भर रहा है। बाबा वरदान दे रहे हैं। बच्चे बाप से सर्व संबंधों के रस के अनुभव करने वाले सहज योगी भव। बाप से सर्व संबंधों के रस का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। गहराई से मैं इस वरदान को अपने अंदर समा रही हूं। दुनिया के मनुष्य ऋषि मुनि उसका एक वरदान पाने के लिए कितनी तपस्या करते हैं। और हमें ये वरदान सहज ही मिल जाते हैं। जो संकल्प करो वो वरदान हाजिर। मैं सहज योगी आत्मा बाबा से सर्व संबंधों की अनुभवी हूं। उड़ चलते हैं 1 सेकंड में परमधाम। बाबा को टच करेंगे, वापस आएंगे भृकुटी में। फिर जाएंगे, टच करेंगे, वापस भृकुटी में। परमधाम में, परमधाम से नीचे सूक्ष्म वतन में। बाप दादा, ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में शिव बाबा बहुत तेज प्रकाश में चमकते हुए। बाबा से आज 4 संबंधों का अनुभव हो रहा है, जो बाबा ने आज साकार मुरली में भी वर्णन किया है। प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर और बैरिस्टर। बाप दादा से ये चारों स्वरूप एक एक कर बाहर आ रहे हैं।
प्रिंसिपल, बाबा का सूटेड बूटेड स्वरूप, सूक्ष्म वतन में एक लाइट के कमरे में टेबल और चेयर पर बैठे हुए। दूसरा सोनार का स्वरूप, एक अलग लाइट के कमरे में गद्दी पर बैठे हुए, सोनार की गद्दी। डॉक्टर का स्वरूप, व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप लिए हुए, एक अलग लाइट के रूम में। बैरिस्टर का एक अलग कमरे में, वकील की पोशाक पहने हुए। ये चार स्वरूप बाबा के चार लाइट के रूम्स में नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले जाती हूँ बैरिस्टर वाले रूम में। लाइट के रूम में प्रवेश करती हूँ। बाबा मेरे वकील हैं। दूसरी ओर माया का वकील खड़ा है। मैं बाबा से अपनी कुछ कोई भी जीवन की समस्या, उसका समाधान के लिए बाबा को कुछ बता रही हूं, जिसमें माया का इंटरफेरेंस है किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा। बहुत गौर से बाबा मेरी बातें सुन रहे हैं। सामने जज की कुर्सी पर बाबा का ही एक स्वरूप जज के रूप में है। मन ही मन देखकर गुदगुदी हो रही है, वाह, वकील भी अपना, जज भी अपना, फिर तो जीत हुई की पड़ी है। फिर भी जो जज दिख रहा है वो बिल्कुल किसी की तरफदारी न करने वाला, दोनों में कुछ बहस चल रही है। माया का वकील कुछ कह रहा है, अपनी बातों को सिद्ध कर रहा है कि वो सही है। मैं बाबा के पास जाकर कह रही हूं, ये ठीक नहीं है। मुझ आत्मा ने ऐसा कुछ नहीं करा जिस पर मुझे कोई इल्जाम लगे। बाबा वकील बनकर मुझे आथत दे रहे हैं निश्चिंत रहो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, विजय तुम्हारी हुई पड़ी है, तुम विजय रतन हो, विजय कहां जाएगी। अभी ये माया के वकील बाहर भागते हैं और बाबा मुझे निश्चिंत कर देते हैं।
मैं अगले रूम में प्रवेश करती हूँ जहां बाबा प्रिंसिपल के रूप में बैठे हुए हैं। बाबा के सामने बहुत सारे रिपोर्ट कार्ड्स पड़े हैं। बाबा मेरे नाम का रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं, चेक कर रहे हैं। मुरली में मेरी अटेंडेंस पूरे साल का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पोता मेल। व्यर्थ से कितनी मुक्त रही, एक एक संकल्प कितना जमा हुआ, कितना घाटा हुआ। मनसा वाचा कर्मणा सेवा, शक्तियां कितनी जमा की, कितनी लीकेज हुई। पवित्रता संकल्प और स्वप्न तक भी कितनी रही। स्थापना पालना विनाश का कर्तव्य कितना किया, स्वयं प्रति। ये सारी चेकिंग बाबा कर रहे हैं। और मेरी रिपोर्ट कार्ड में गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, उस पर अपना टिक मार्क लगता हुआ देख रही हूं। ए प्लस प्लस की ए प्लस की ए, बी सी, कौन सा रिमार्क बाबा ने दिया है। विजुलाइज करें अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, खुद ही खुद को दें। बाबा साइन कर रहे हैं। शिव बाबा का स्टैंप उस पर लगा रहे हैं। मैं आत्मा आगे बढ़ती हूँ, सोनार के कमरे में जाती हूँ, बाबा को देख रही हूँ गद्दी पर बैठा। बहुत सारी आत्माएं मणियों के रूप में, जिनके फेसेस दिख रहे हैं स्माइलीज की तरह, परख रहे हैं। कितनी किस्में अलाए बची हैं, कितना कैरेट सोना इसमें सच्चा है। बाबा लेंस से उसे घिस घिस कर देख रहे हैं। आंख से एक लेंस से उसकी चमक देख रहे हैं और उसका कैरेट चेक कर रहे हैं, 24 है कि 22 है कि 20 है कि 18 है। कुछ आत्माओं में 18 से भी कम रिजेक्टेड। मैं आत्मा मणि के रूप में बाबा के सम्मुख हूं। बाबा जोहरी है,
लौकिक अलौकिक रीति से जोहरी। बाबा एक आंख से, शिव बाबा के लेंस से तेज प्रकाश मुझ आत्मा में डालते हुए और मेरा अंतर मन बाबा को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसकी स्थिति, उसकी अवस्था, उसकी चढ़ती कला की उड़ती कला, उसका सतो रजो की सतो प्रधान, ये कैरेट बाबा को दिखाई दे रहे हैं। बाबा सोनार के रूप में मुझ आत्मा को तराशते हुए और कोई भी फ्लॉ है, अलॉय है, जिसको अलॉय भी बोलते हैं, गंदगी, बाबा देख रहे हैं अभी 22 कैरेट से भी कम है। बाबा के सामने एक अग्नि कुंड जल रहा है। बाबा मुझ मणि को उठाते हैं और उसमें डाल देते हैं। और छन छन की आवाज के साथ मेरी सारी अलाए मुझसे निकलती अनुभव हो रही है। और आत्मा मणि बिल्कुल चमक गई, बहुत तेज चमक गई। बाबा बाहर निकालते हैं और फिर से शिव बाबा भ्रकुटी में उस तेज किरणों से मुझे फिर से देखते हैं। एकदम स्वच्छ पवित्र होकर मैं आत्मा चमकने लगी। अब इस चमकती हुई मणि को मेरी भ्रकुटी में स्थापित कर देते हैं। वकालत वाले कमरे में बाबा जीत चुके हैं मेरा केस। और विजय का तिलक लेकर मेरे पास आ रहे हैं। बच्चे, तुम ये केस जीत चुकी, बधाई हो। तिलक दे रहे हैं, मुख मीठा करा रहे हैं। प्रिंसिपल का रिपोर्ट कार्ड मेरे हाथ में आ चुका है। जिसमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका है। ये तीनों ही स्वरूप का प्रिंसिपल, सोनार और बैरिस्टर
तीनों का हाथ मेरे सिर पर है। और हर स्वरूप मुझे समान भव का वरदान दे रहा है। समान भव, मैं आत्मा मणि चमक चुकी हूं। मेरे हाथ में करेक्टर सर्टिफिकेट रिपोर्ट कार्ड आ चुका है और मैं माया का केस उससे जीत चुकी हूं। डॉक्टर के रूम के बाहर कंसल्टेशन टाइमिंग्स 2 to 5 अमृत वेला, अभी नो एंट्री। मैं आत्मा इन तीन सर्टिफिकेट के साथ उड़ जाती हूँ परम धाम में। बाबा की किरणों के नीचे उसके तेज प्रकाश में इस मणि को और चमका रही हूं। वापस आती हूँ अपनी भृकुटी में, फिर से उड़ जाती हूँ परम धाम में, वापस भृकुटी में परम धाम में, भृकुटी में परम धाम में, भृकुटी में परम धाम में, भृकुटी परम धाम, 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 भृकुटी में एक सेकंड में आना, एक सेकंड में जाना, यही अव्यक्त स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप है। अंत समय में जब एक सेकंड का पेपर होगा, तब ये एक सेकंड की अवस्था हमें पास होने में मदद करेगी। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य चमक रही हूं। अपने सामने अपने पांचों स्वरूपों को देख रही हूं। इधर बाबा के तीन स्वरूप प्रिंसिपल, सोनार और बैरिस्टर, इधर मेरे पांच स्वरूप। मैं अपने पांचों स्वरूपों में जंप लगा रही हूं भृकुटी के अंदर। आत्मा भृकुटी से निकली देव स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में दुर्गा की भृकुटी में, ब्राह्मण स्वरूप फरिश्ता, फरिश्ता से वापस ब्राह्मण, पूज्य देवता वापस भृकुटी में, फिर से देवता में, पूज्य में, ब्राह्मण में, फरिश्ता में, वापस फरिश्ता से ब्राह्मण, पूज्य देवता, वापस भृकुटी में। अब बाबा को टच करती हूँ मस्तक में। प्रिंसिपल बाबा,
सोनार बाबा, बैरिस्टर बाबा, प्रिंसिपल सोनार डॉक्टर, प्रिंसिपल सोनार डॉक्टर, प्रिंसिपल सोनार डॉक्टर, मैं आत्मा भृकुटी में, भृकुटी से देव स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में, ब्राह्मण और फरिश्ता, वापस फरिश्ता से ब्राह्मण, पूज्य देवता भृकुटी में, देवता पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, फरिश्ता ब्राह्मण पूज्य देवता भृकुटी, भृकुटी से देवता पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, फरिश्ता ब्राह्मण पूज्य देवता आत्मा भृकुटी में, हो रहा है सभी से? हमने पांच स्वरूप किए ना, पांच स्वरूप में हम जैसे आत्मा से देवता, ये तो आदत है ना सबको, पहले देवता है, फिर पूज्य है, फिर ब्राह्मण है, फिर फरिश्ता है, इस सीरीज में हम चलते हैं। मगर इस सीरीज को आगे पीछे करके चलो ना, तब पता चलेगा कि हम वो रट्टा हुआ है कि हम स्थित हो सकते हैं। ठीक है, चलो फिर से करते हैं ये प्रैक्टिस, पांच स्वरूप में आत्मा भृकुटी में, अपने देव स्वरूप में, पहले धीरे करेंगे फिर तेज करेंगे। देव स्वरूप में दुर्गा की भृकुटी में, पूज्य स्वरूप ब्राह्मण में, फिर फरिश्ता में। अब इसको हम आगे पीछे कोई भी करके बोलें, जैसे फरिश्ता स्वरूप, फिर उल्टा, ब्राह्मण पूज्य देवता, फिर वापस भृकुटी में। अब सीरीज में नहीं चलेंगे, आगे पीछे, जैसे मैं आत्मा भृकुटी में, फरिश्ता में, देवता में, पूज्य में, ऐसे, जिससे हमको आदत हो तुरंत उस स्वरूप में स्थित होने की। ठीक है, चलो अभी स्लो स्लो करेंगे, फिर कल तेज करवाएंगे। आत्मा भृकुटी में, अपने देव स्वरूप में, फरिश्ता पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, वापस भृकुटी, भृकुटी से चलेंगे ब्राह्मण में, फरिश्ता पूज्य ब्राह्मण स्वरूप, वापस भृकुटी, भृकुटी से फरिश्ता पूज्य स्वरूप, देव स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप, वापस भृकुटी। हुआ सबसे? धीरे धीरे हो गया ना, आदत हो जाएगी। कहीं पर भी हमको बोला जाए किसी भी स्वरूप में स्थित होने का कभी भी, तो हम उसमें स्थित हो जाएं। हाँ, भृकुटी में जब बोलेंगे तो हम कुछ नहीं देख रहे, आकारी स्वरूप में देख रहे हैं, और ब्राह्मण जब हम देखते हैं तो थोड़ा विजुलाइज करते हैं उसको, ब्राह्मण स्वरूप। वैसे अलग नहीं है, लेकिन अलग भी कर सकते हो।
ठीक है।